हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 1 11th क्लास मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसके हमेशा पार्ट वाइज ही वीडियो आपको देखने हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट अकाउंट का सिलेबस मिलेगा। तो पहले तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लिया करो और कॉमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं एक बार। मैं सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखवाता हूँ, उसके बाद उसके कंटेंट्स लिखवाता हूँ। कंटेंट्स का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट्स के अंदर कंटेंट नंबर 1 और कंटेंट नंबर 2, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसके अलावा कंटेंट नंबर 2, ठीक है, जिसके अंदर हमने मीनिंग पढ़ा था अकाउंटिंग का, ये तो मैं फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। और सेकेंड क्लास में हमने फीचर्स, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस कर लिए हैं। आज हम लोग कंटेंट नंबर 6 से चलेंगे, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले है, हम लोग पढ़ेंगे आज क्या सर, आज हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बुक कीपिंग होता है क्या है, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। सिंपल भाषा में इससे पहले कि मैं स्टार्ट कराऊं, एक ओवरव्यू मैं आपको अगर इसका दूं तो बुक कीपिंग या अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो आप सीख चुके हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, तो अकाउंटिंग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब सवाल है बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो कहीं पे जॉब ज्वाइन करता है कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी सीए फर्म के अंदर कोई, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट है, वो सोच रहा है यार मैं जॉब कर लूं कोई, ठीक है, और एज ए फ्रेशर वो वहां पे ज्वाइन करता है। तो पहले ही उसको बड़े बड़े काम नहीं दे जाएंगे, अभी तो उसने सिर्फ 12th पास की है, छोटा बच्चा है वो, ठीक है। तो अभी क्या है, ठीक है ना, अभी तो उसको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा, तो अभी वो सिर्फ उसको छोटे मोटे काम ही दे जाएंगे, ठीक है ना। तो एक सिंपल भाषा में बोलूं तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का काम दिया जाएगा उसको, ठीक है ना, उसको बोलेंगे बुक कीपर, और जो ये वो काम करेगा उसको बोलेंगे बुक कीपिंग। तो यही हमें समझना है, ठीक है ना। हम फिर उसका कंपैरिजन करेंगे अकाउंटेंट के साथ, ठीक है ना, कि भाई अकाउंटेंट क्या काम करता है, अकाउंटेंट का क्या है, उसके और बुक कीपर का क्या है। अकाउंटेंट से नीचे, ठीक है ना, अभी अभी फ्रेशर एक लड़का रखा है ये मान लो आप, ठीक है, ऑफिस के अंदर, और एक अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट तो उसका सीनियर होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले, ये कहानी याद रखनी आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे बुक कीपिंग का मतलब क्या है सर। तो बुक कीपिंग लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक वर्ड मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि वो जो लड़का है नया नया अभी अभी एज ए फ्रेशर उसने ऑफिस में ज्वाइन किया, क्या करेगा वो, मेंटेनेंस करेगा, किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस करेगा, ठीक है ना। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो उसको बोला जाएगा कि यार तू आइडेंटिफाई कर, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो उसको बोला जाएगा कि चलो यार तू आइडेंटिफाई कर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी जो फाइनेंशियल नेचर के, फिर उसको बोला जाएगा कि मेजर कर, ठीक है ना, उनकी वैल्यू वगैरह मेजर कर, ठीक है ना। फिर क्या बोला जाएगा, उसको रिकॉर्डिंग भी करा ली जाएगी कि चलो यार एंट्री तो आती होगी, ठीक है ना, 11वीं 12वीं पढ़ के आए तो एंट्री तो आती होगी, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग भी करा ली जाएगी, क्लासिफिकेशन लेजर वेजर भी बना ली जाएंगे, चलो यार लेजर भी बना सकते हो, ठीक है ना, यहां तक का काम उसको सौंप दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ पहले तो क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है ना, क्या ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है। जब वो आएगा कि सर हो गया, ठीक है, फिर उसको बोला जाएगा अब मेजर कर, ठीक है, जो तूने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी है उनको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो मेजर कर कर उनको, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला जाएगा कि रिकॉर्डिंग कर, ट्रांजेक्शन से क्या कर, एंट्री बना, ठीक है ना, क्लासिफाइंग कर, क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जो एंट्री आपने बनाई उसके लेजर बनाओ, ठीक है ना। ओके सर, ये हो गया पूरी कहानी एकदम प्रॉपर तरीके से, यस सर। अब अगर आपको इसका एकदम प्रॉपर मीनिंग चाहिए आपको, वो भी मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, हमने पढ़ाई था मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी दे दी इसकी एकदम प्रॉपर तरीके से हो गए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सी ऑफिस के अंदर एक लड़का जो पहले से ज्वाइन कर रखा था, अब वो अकाउंटेंट बन रखा है वहां पे, ठीक है ना, लेकिन अभी अभी एक फ्रेशर एक लड़का ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो जिस लड़के ने अभी अभी ज्वाइन किया उसको बड़े बड़े काम नहीं दे जाएंगे, उसको छोटे मोटे काम दे जाएंगे, ठीक है ना, क्या करेगा वो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या करेगा वो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इसके अंदर क्या क्या करेगा वो, सबसे पहले उसको बोला जाएगा आइडेंटिफाई करो, क्या करो, आइडेंटिफाई करो,
कौन सी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको मेजर करने के लिए बोला जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला जाएगा, चलो ट्रांजेक्शन से एंट्री बना दो, ठीक है ना, उसके बाद ठीक है ना एंट्री से लेजर बना दो, ठीक है, यानी क्लासिफाइंग के लिए बोला जाएगा, ये काम होंगे उसके। आई होप क्लियर होगा। यस सर। अब देखो ये होगा आपका डन। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7, कंटेंट नंबर 7, जो कि वेरी 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 एक्सट्रीम इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, उस लड़के की कहानी समझ में आ गई होगी। उसके ऊपर एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है ना, उसका सीनियर कौन, अकाउंटेंट, तो उसका साथ अब कंपैरिजन करेंगे हम उसका। तो सबसे पहला आता है बुक कीपिंग के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले बेसिस फॉर्मेट देख लो, बुक कीपिंग, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है अकाउंटिंग। सबसे पहला क्या कहता है, स्टेज। स्टेज का मतलब क्या है, कभी जब वो अकाउंटेंट भी कभी उसने फ्रेशर ज्वाइन किया होगा एज ए फ्रेशर, वो भी कभी ना कभी यही काम करता होगा बुक कीपिंग वाले, है ना, तो ये क्या हो गया उसकी प्राइमरी स्टेज, उसके बाद फिर वो अकाउंटेंट बना, वो सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं उसको। तो बुक कीपिंग क्या होता है, एक प्राइमरी स्टेज है, और ये क्या होता है, एक सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग के अंदर मैंने आपको बता ही दिया मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, कई सारे बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हु परफॉर्म, मैंने आपको बता ही दिया, ये जूनियर स्टाफ होता है जो अभी ज्वाइन किया है ना, जूनियर स्टाफ, और ये सीनियर स्टाफ होता है जिसने अभी ज्वाइन किए हुए साल दो साल हो गया ना, अब उसको अकाउंटेंट बना दिया वहां पर। ओके, नॉलेज लेवल, देखो बुक कीपर को ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, 11वीं 12वीं पास करके आगे, हाँ ठीक है काम अब चल जाएगा, क्योंकि हमें उससे ऐसे काम कराना ही नहीं है, कोई टेक्निकल वगैरह टाइप के काम कराना नहीं है, एनालिटिकल टाइप के काम कराना ही नहीं है, ठीक है ना, तो हमें ठीक है लिमिटेड नॉलेज होगा तो चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एंट्री वेंट्री आती है, नजर आती है, चलो ठीक है। ओके, यहाँ पर नॉलेज क्या होना चाहिए, हायर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, एनालिटिकल स्किल्स, यहाँ पर किसी तरीके के एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप क्लियर होगा एकदम प्रॉपर तरीके से, इसका डिफरेंस भी होगा आपका और बुक कीपिंग भी होगा, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 देखें, फिर पार्ट 2, और फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, इस तरीके से आपको चैप्टर खत्म करना है। ये मान के चलो कि आप जैसे स्कूल में क्लास ले रहे हो, ठीक है ना, ये मान के चलो कि जैसे आप ट्यूशन पे क्लास ले रहे हो, वैसे ही एक वीडियो आप देखें, उसके नोट्स लिखें, उसको रिवाइज करें, या तो फिर आप नेक्स्ट डे क्लास देखें, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट, फिर उसको लिखें, फिर उसको पढ़ें, ठीक है ना, एक दो बार, और फिर उसको अच्छे से करके प्रैक्टिस, और फिर आप आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हो देखते जा रहे हो, नहीं नहीं, उसका फिर बेनिफिट आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको अगर बेनिफिट चाहिए तो ये मान के चलो कि क्लास हो रही है आपकी प्रॉपर तरीके से, समझ रहे हो। हाँ, थोड़े से छोटे वीडियो हैं तो भाई दो क्लास देख लो एक दिन में, है ना, उनके नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से, क्लियर है, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लें। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।